हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। हम डील कर रहे थे डायोड एप्लीकेशन। डायोड एप्लीकेशन में हमने आपको सबसे पहला एप्लीकेशन रेक्टिफायर डिस्कस किया। रेक्टिफायर में हमने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। तो फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर एंड उसके दो पार्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर के ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फॉर एकेटीयू एग्जामिनेशन। एकेटीयू एग्जामिनेशन में तो ये टॉपिक आना ही आना है, ब्रिज रेक्टिफायर। या तो ब्रिज रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल आएगा या तो एक्सप्लेनेशन आएगा। ज्यादातर इसका एक्सप्लेनेशन आता है, तो सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो आप इसका सर्किट डायग्राम देखिए कैसे हम बना रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में कहां डायोड लगाएं, कैसे लगाएं, क्या डायरेक्शन होगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये देखिए, जब भी ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए हॉरिजॉन्टल में, और इसके मिड में ए वर्टिकल में यहाँ पे कुछ ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए और इधर नीचे भी एक पॉइंट ले लीजिए इस तरह से, ठीक है? और जो हॉरिजॉन्टल दोनों जो पॉइंट लिए इनके बीच में कनेक्ट करते हुए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, जिस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये देखिए, हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ए आर एल, ठीक है? फिर देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड कनेक्ट होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड कनेक्ट होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड कनेक्ट होगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड कनेक्ट होगा। तो डायोड कनेक्ट करते समय मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट में आपने डायोड का डायरेक्शन ए दे दिया, ठीक है? तो सेम यही डायरेक्शन आप इसके जो डायगोनली पैरेलल में आ रहा है यही डायरेक्शन आप लेंगे, तो कभी भी ब्रिज रेक्टिफायर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कोई स्टूडेंट ये डायरेक्शन ऐसे ले लेगा तो ये भी ऐसे डायरेक्शन ले लेना है, क्लियर? दिस पॉइंट पॉइंटेड टू दिस पॉइंट, क्लियर? अगर कोई स्टूडेंट अगर इस डायोड का डायरेक्शन ऐसे ले लिया तो ये भी टिल्ट करके ऐसे डायरेक्शन लेना पड़ेगा। इन देखो, पैरेलल में ये डायगोनली दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर आपने ऐसे डायरेक्शन ले लिया तो इस एंड इस पॉइंट पे जो डायोड एक और कनेक्टेड होगा वो डायोड ऐसे आप डायरेक्शन लोगे कि ये देखिए एक इस तरह से क्लोज पाथ वो हो जाए, कंप्लीट हो सके। तो ये डायोड का एरो डायरेक्शन है, तो इधर भी एक एरो डायरेक्शन बनाएंगे हम। देखिए, ये देखिए, इधर भी हम एक एरो का डायरेक्शन बना दिए। अब देखिए, ये एक पाथ कंप्लीट हो गया, ये एक पाथ कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह पैरेलल में इधर भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो यहां पे भी देखिए एकदम सेम डायरेक्शन हमने ले लिया, सेम डायरेक्शन ले लिया। तो ये यहां तक बनाने के बाद आपका आधा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है डायोड का कनेक्शन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, वो आपने कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद क्या है, आप इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट को यहां तक बढ़ा दीजिए, यहां पे देखिए, और इस पॉइंट तक यहां पे इसको बढ़ा दीजिए, और यहां पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दीजिए, बस इसका आपका ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो गया। तो ये देखिए, ट्रांसफार्मर हमने कनेक्ट करने के लिए, ये सेकेंडरी कॉयल है, तो सेकेंडरी कॉयल को हमने ऐसे बना दिया, ये देखिए सेकेंडरी कॉयल ऐसे हमने बना दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो आपने देखे सेकेंडरी कॉइल हमने ट्रांसफार्मर का बना दिया, फिर इसके बाद इसमें प्राइमरी कॉइल देखिए कनेक्ट कर दिए, ये आपने प्राइमरी कॉइल
कनेक्ट करके और यहां पे एसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो आपने ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया और यहां पे ये सप्लाई आपने इनपुट सप्लाई है आपके पास वीआई। तो आप इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए। ब्रिज रेक्टिफायर में मैक्सिमम जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो डायोड कनेक्शन में उनकी हमेशा गलतियां होती है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही साइकिल में दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीजों के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताया कि इस तरह से यहां पॉइंट एक लीजिए, एक पॉइंट यहां पे लीजिए, इसके जस्ट मिड में एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट नीचे, हॉरिजॉन्टल में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए आरएल, ठीक है, जहां पे हमें आउटपुट लेना है। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड कनेक्ट होगा। अब ये डायोड का डायरेक्शन चाहे कोई ऐसे ले सकता है, चाहे अपर की तरफ चाहे लोअर की तरफ ले सकता है। तो अगर जब आप अपर की तरफ लीजिए तो इसके पैरेलल में जो यहां पे कनेक्ट करेंगे वो भी सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कौन से डायरेक्शन में डायोड को कनेक्ट करें। तो आप डायोड का जो एरो है उसी को कंप्लीट करना चाहिए इस तरह से लोड के साथ, एक साइकिल है देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब आपका ये डायरेक्शन ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर ये डायोड का डायरेक्शन ऐसे होता, क्लियर, ऐसे होता डायोड का डायरेक्शन, तो ये देखिए ऐसे करके ये डायोड का डायरेक्शन ऐसे लगाना पड़ता, क्लियर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये डायोडों का नाम है, और देखिए जब इस पे आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं तो राइट साइड की तरफ पे देखिए यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, और ये आपका वी आउटपुट या वी एल लोड वोल्टेज जहां पे हमें आउटपुट लेना है। और इन डायोड का आपने नंबरिंग कर देना है, जैसे कि ये डायोड हमने डी वन लिख दिया और ये डायोड आपने डी टू लिख दिया और ये डायोड आपने D3 लिख दिया और ये डायोड आपने D4 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा किसी किसी बुक में इसको D1, इसको D2, इसको D3, D4 लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं है होइए कि कोई ये इसमें याद करिए माफ करिएगा। तो ये D1, ये D2, ये D3, ये D4, या ऐसे लिख दीजिए D1, D2 एंड D3, D4, माफ करिए। तो ये D1, ये D2, ये D3 एंड ये D4, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये जो है, हमने बताया आपको ये जो हम यूज करते हैं इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्राइमरी कॉइल एन वन एंड सेकेंडरी कॉइल एन टू, इनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। तो इन डायोडों की नंबरिंग का ध्यान रखिएगा कि आप कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर लिखेंगे पेपर में, आप कोई ऐसे लिख सकता है D1, D2, D3, D4, कोई ऐसे लिख सकता है D1, D2, फिर D3, D4, कोई ऐसे लिख सकता है D1, D2, D3, D4, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये ऑन ऑफ होंगे तो उनका नाम उस तरह से लिखना, जैसे आपको जनरली कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए या कोई भी बुक लीजिए तो इस तरह से लिखा इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये D2 एंड D4, मतलब इवन वाले ऑफ हो रहे हैं, ऑड वाले ऑन हो रहे हैं, इसलिए ऑड वाले ऑन हो रहे हैं, इवन वाले ऑफ हो रहे हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, आप जो अपने हिसाब से सर्किट में उनकी नाम दिए हो D1, D2, D3, उसको आपको देख के लिखना होगा, ठीक है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की हम बात कर रहे थे, वीआई, और वीआई आपके पास सिग्नल है ही, आप जानते हैं ये हमारे पास वी आई वो है क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। देखिए इसको ध्यान से समझिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए ब्रिज रेक्टिफायर बहुत बार पूछा गया है और हर बार लगभग आता ही है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं, इसमें केस फर्स्ट में क्या लिख रहा हूं, इन द
इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड, यहां पे नेम देना होगा। देखो कैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि देखिए इनपुट सिग्नल के पास हमारे पास दो साइकिल है, इनपुट सिग्नल के पास हमारे पास दो साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। तो ये पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये नेगेटिव साइकिल, ये इनपुट सप्लाई है। तो पॉजिटिव साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव, सेम इसी रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचेगा, देखिए तो इस पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया डायोड डी टू, देखिए फॉरवर्ड बायस हो गया, और इधर देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव से डी थ्री कनेक्ट हो गया, तो आपका डायोड डी थ्री क्या हो गया कंडक्ट करेगा और डी फोर क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी टू एंड डी थ्री किसमें हो जाएंगे कंडक्टिंग स्टेट में, तो लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी टू डी थ्री इज इन कंडक्टिंग स्टेट, कंडक्टिंग स्टेट एंड डायोड डी वन एंड डी थ्री डी फोर इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, नॉन कंडक्टिंग स्टेट। देखिए अभी जो हमने एनालिसिस किया, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहां पहुंचा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, डी टू क्या हो गया ऑन हो गया, डी वन ऑफ हो गया, इधर देखिए नेगेटिव यहां पहुंचा, नेगेटिव से डी थ्री क्या हो गया कंडक्ट कर दिया एंड डी फोर क्या हो गया ऑफ हो गया। तो इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी टू एंड डी थ्री क्या होगा कंडक्ट कर रहे हैं एंड डी वन एंड डी फोर क्या होगा ओपन सर्किट होगा। तो आप जो आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग फिर से सर्किट बनानी पड़ेगी, तो यही सेम सर्किट बनाएंगे। देखिए रफली हम सर्किट बनाते हैं, ये देखिए आपने एक सप्लाई ले लिया, यहाँ पे एक सप्लाई ले लिया हमने, ये देखिए ये सप्लाई है जो इनपुट वोल्टेज था, और यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया गया, जो आपने ऊपर कहा है वही करके दिखाना है, ठीक है, और उसी से आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया आपका, ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए ये कनेक्शन था, हमने ये यहाँ पे लोड कनेक्ट किया था, ये लोड हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ये लोड कनेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंटों को मिला दिया गया, इन पॉइंटों को हमने मिला दिया। अब देखिए डायोड डी वन एंड डी टू एंड डी थ्री कंडक्टिंग स्टेट में है, तो ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो हमने देखिए यहाँ पे कंडक्टिंग स्टेट दिखा दिए, गुड। और ये देखिए ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्टेट दिखा दिया, और ये डायोड देखिए ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट कर दिए, और ये डायोड ओपन सर्किट है, तो इसको भी हमने ओपन सर्किट कर दिया, क्लियर। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये प्लस माइनस, ये क्या है वी आउटपुट है, ये क्या है लोड आरएल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा D2 ऑन, क्या लिखना पड़ेगा ऑन, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा D3 क्या है ऑन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको D1 ऑफ, और यहाँ लिखना पड़ेगा D4 ऑफ, ठीक है। आपने ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया, सेम यही पे यहाँ पे जो वोल्टेज रिफ्लेक्शन होगा ये आपका VI होगा, VI, क्लियर। KVL लगाएगा, KVL के लिए देखिए पाथ बनेगा इस तरह से, मैं जो डॉट डॉट करके बना रहा हूं, क्योंकि ये देखिए ओपन है, ये भी ओपन है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी इसमें, देखिए ये करंट फ्लो होने का पाथ मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, आपको शो कर रहा हूं, ठीक है, करंट फ्लो होने का पाथ देखिए ये है, डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं आपको, ये करंट फ्लो होने का पाथ, ठीक है।
तो मुझे ये आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो मैं KVL लगा दिया, लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे VI, और हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस बी आउटपुट इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया बी आउटपुट इक्वल टू VI। वेरी गुड, ठीक है। अब एक आता है, यहीं पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आता है, ब्रिज रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको अलग से करने से बढ़िया है कि हम यहीं पे कर लें पीक इनवर्स वोल्टेज, नहीं इसको यहीं रहने दीजिए, अलग से करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो फिर इसके बाद केस फर्स्ट हो गया, अब हम केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में देखिए क्या होगा, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पहुंचा, यहां पे पॉजिटिव पहुंचा, तो ये देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कनेक्ट हो गया, D1 किस में हो गया फॉरवर्ड बायस में, D2 क्या हो गया रिवर्स बायस में, और इधर देखिए D4 क्या हो गया कंडक्ट करेगा, एंड D3 क्या होगा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। तो वही सेम चीज लिखेंगे, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1, D3 इज इन कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, एंड डायोड D2 एंड D3 इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, तो आपने जो कहा है उसके लिए फिर से आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने फिर से इस सर्किट बना रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है, जो इनपुट सप्लाई हमने लिया है ये सप्लाई दे दिया, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर, क्या कर दिया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहां पे हमने ये सिग्नल कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहां पे ये है ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से डायोड ऑन होंगे, आपका D1 एंड D4 कनेक्ट करेंगे, तो D1 डायोड ये है, D1 डायोड ये देखिए हमने ऑन कर दिया, ठीक है, एंड D4 डायोड कनेक्ट करना है, तो D4 के देख लिए हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया D3, और ये आपका D2 ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपके पास हमने इनपुट सप्लाई दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे नेगेटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव, ऑलरेडी हम नेगेटिव ले लिए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जब वे फॉर्म हम ड्रा करें तो वहां पे फिर से आप नेगेटिव नहीं लेके फिर से नेगेटिव नेगेटिव ही आना चाहिए, नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑलरेडी हम नेगेटिव ले चुके हैं। तो ये आपका है D2 ऑन और ये आपका है D3 ऑन ऑफ सॉरी, और यहां पे ये है D1 ऑन एंड यहां पे D4 ऑन, ठीक है, हमने गलत लिख दिया है, D1 एंड D4 ऑन होगा, D1 D4 ऑन एंड D2 एंड D3 नॉन कंडक्टिंग स्टेट मींस ऑफ, ठीक है, ये बन गया। हमने यहाँ पे प्लस माइनस बी आउटपुट को रिप्रेजेंट किया, बी आउटपुट हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस से आ रहा है। आप इसमें KVL, अब देखिए KVL फ्लो होने का, करंट फ्लो होने का पाथ हम बना रहे हैं, करंट फ्लो होने का हम पाथ बना रहे हैं डॉट डॉट करके, आप देखिए करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होने का ये पाथ,
इसमें देखिए हाई से लो जा रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस वी आई। ये देखिए इस तरह से हमने कहा हाई से लो जा रहे हैं माइनस वी आई, और देखिए यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये लिखेंगे बी आउटपुट इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा वी आई। अच्छा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होगा, ये कंफ्यूज मत होना कि बी आउटपुट इक्वल टू वी आई इसमें भी आ रहा है, बी आउटपुट इक्वल टू वी आई इसमें आ रहा है। अगर मैं इसमें वी आई लिखता, क्योंकि नेगेटिव साइकिल के अंदर ही दोनों पार्ट है, पॉजिटिव साइकिल भी है नेगेटिव साइकिल भी है, तो उसको जो इनपुट वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे नेगेटिव यूज कर लिया हूं, तो वहां पे मैं नेगेटिव नहीं यूज करूंगा, पॉजिटिव ही बनाऊंगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे तो वी आउटपुट इक्वल टू आएगा माइनस वी आई। तो जब उसका वेवफॉर्म ड्रा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ये कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं अभी वेवफॉर्म ड्रा करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों साइकिल एक्सप्लेन कर लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कैसे वर्क कर रहा है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार मेरी बात फिर से सुनिएगा कि जब भी आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना हो तो ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसे सर्किट आप बनाने के लिए हमने बताया था। देखिए इसी सर्किट को अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बनाएगा, देखिए मैं बता चुका हूं कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पे आप ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा, कोई स्टूडेंट ऐसे अगर बना दे और एक अपर पोर्शन पे यहाँ ले लीजिए मिड में और यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, एक मिड में यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, इनके बीच में मैंने कहा था एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कर दिया लोड रेजिस्टेंस, ये आरएल कनेक्ट कर देना है हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल पॉइंट पे आप देखिए यहाँ से यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक डायोड कनेक्ट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक डायोड कनेक्ट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक डायोड कनेक्ट होगा। तो डायोड कनेक्ट करने के लिए आपको हमने बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डायरेक्शन आप ले लिए, ठीक है, वही इसके डायगोनली पैरेलल में भी सेम डायरेक्शन आपको डायोड में कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस जो सर्किट डायग्राम बनाया है उसमें देखिए मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि ए डायरेक्शन ले ले, ध्यान से समझिएगा मैं दोनों बता देता हूं, तो वो उसको डरने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैंने गलत कर दिया, नहीं आपका भी सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको सर्किट में क्या चेंज है क्या है मॉडिफाई वो देखिए आप लोग। ये देखिए इतना कोई कनेक्ट कर दिया, सेम देखिए इसी तरह से आपने यहाँ पे इसके डायगोनली पैरेलल में सेम डायरेक्शन में डायोड आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहां तक। लेकिन फिर मैं बताया कि इस पॉइंट के बीच में ये भी एक डायोड कनेक्ट होगा और इस पॉइंट के बीच में भी एक डायोड कनेक्ट होगा। तो ये डायोड कनेक्ट करने के लिए ये देखिए मैंने बोला था कि ये एक क्लोज पाथ में इसमें केवीएल है, देखिए ये प्लस है ये माइनस, यहाँ पे बी आउटपुट आपने लिया है, तो ये देखिए इस तरह से एक क्लोज पाथ बनना चाहिए, एक देखिए एरो बना है यहाँ से इस तरह से जा रहे हो, तो ये भी देखिए इसमें इस तरह से डायोड कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ए डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो देखिए ए एरो आया फिर इधर गए फिर ऐसे ऐसे करते हुए देखिए कंप्लीट हो गया ऊपर का एक क्लोज पाथ। तो सेम पैरेलल में इधर डायगोनल में आप कनेक्ट कर दीजिए, बस एक चीज ऊपर जो मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए इधर भी ऐसे डायरेक्शन में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है एकदम पूरी तरह से 100% ये भी आपका आउटपुट देगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक साइकिल में दोनों डायोड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ब्रिज रेक्टिफायर है, देखिए फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पे एक सेकेंडरी क्वायल कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक सेकेंडरी क्वायल मैंने ट्रांसफार्मर का कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया, इनपुट में यहाँ पे आप प्राइमरी क्वायल कनेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इनपुट पे यहाँ पे ये प्राइमरी क्वायल कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका हो गया वी आई और ये इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, चाहे कोई स्टूडेंट ये बनाएगा चाहे ए बनाएगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन और उसके सर्किट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये यूज कर रहा है तो इसको लिखेगा पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आप देखिएगा अगर आप इस तरह से लिखे हैं डी वन और इसको डी टू एंड इसको आपका डी थ्री और इसको लिखे हैं डी फोर अकॉर्डिंग टू
दिस सिचुएशन, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डायोड का नंबरिंग कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। तो ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, डी टू ऑफ है, पॉजिटिव से ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, डी वन ऑफ ऑन हो गया, इधर देखिए ये D4 ऑन हो गया। तो इन द पॉजिटिव ऑफ साइकिल डायोड डी वन एंड डी फोर इज कंडक्टिंग स्टेट एंड डायोड डी टू एंड डी थ्री इज नॉन कंडक्टिंग स्टेट, क्लियर। फिर इसके बाद इन द नेगेटिव ऑफ साइकिल, जब आप नेगेटिव ऑफ साइकिल करेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव ऑफ साइकिल में ये टर्मिनल आपका नेगेटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये चेंज हो जाएगी, ये देखिए नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव से देखिए नेगेटिव कनेक्ट हो गया, डायोड डी टू क्या हो गया फॉरवर्ड बायस एंड ये क्या हो गया रिवर्स बायस। इधर देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो आप लिखेंगे इन द नेगेटिव ऑफ साइकिल डायोड D3 एंड D2 इज कंडक्टिंग स्टेट एंड डायोड D1 एंड D4 इज नॉन कंडक्टिंग स्टेट। फिर से दोनों में आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा V आउटपुट इक्वल टू VI और V आउटपुट इक्वल टू VI, क्लियर। तो चाहे ये सर्किट कोई स्टूडेंट बनाए, चाहे ये कोई सर्किट बनाए, लेकिन जो मैं प्रोसीजर बताया हूं अगर उसको फॉलो करेगा तो कभी भी ये डायग्राम आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि बताइए ये डायोड कैसे कनेक्ट हो रहा है, कितने डायोड लगे हैं, क्या डायरेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप जैसे मैं बताएं वैसे करते जाइएगा, कभी भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम गलत नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी कभी भी आपका गलत नहीं होगा, जैसे हमने आपको 1x1 करके बताया। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया, मैं इसके और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसके और आगे बढ़ता हूं, मैं इसका वेवफॉर्म प्लॉट करता हूं। वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइकिल मैं यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपका आउटपुट प्लॉट करूंगा। तो ये हमने इनपुट सिग्नल ले लिया, ये देखिए इनपुट सिग्नल आपके पास कोई साइनसॉइडल सिग्नल है, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल वी इन ले लिया, वी इन आपने एक साइनसॉइडल सिग्नल लिया है, और ये एक्सिस हमने ओमेगा टी ले लिया है, ओमेगा टी एक्सिस साइनसॉइडल सिग्नल लिया है। तो ये देखिए एक हमने साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया, ये एसी सप्लाई आपने ले लिया, ठीक है, और इसका जो पीक है ये है वीएम और इधर पीक है इसका माइनस वीएम, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव साइकिल है, ये कौन सी है नेगेटिव साइकिल, और ये पॉजिटिव साइकिल एंड ये नेगेटिव साइकिल और ये पॉजिटिव साइकिल। तो बेसिकली हम एक टाइम पीरियड तक ही एक्सप्लेन करते हैं, फिर तो बार बार वही रिपीट होता है, क्लियर। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल हमने दो एक्सप्लेन किया, फिर इसके बाद वही सेम कॉपी होते जाएंगे। तो ये आपने बना दिया, और ये आपका पाई, और ये क्या है 2π है, और ये क्या है 3π, और ये क्या है 4π, डैश डैश डैश, क्लियर, ये बना दिया आपने। इसके जस्ट नीचे हमें प्लॉट करना है बी आउटपुट, क्या प्लॉट करना है बी आउटपुट या रियल प्लॉट करना है लोड वोल्टेज जो हम आउटपुट कैलकुलेट किए हैं। तो ये देखिए आउटपुट प्लॉट करने के लिए हमने एक लाइन खींच दिया, ये एक्सिस बना दिया ओमेगा टी एक्सिस, ओमेगा टी एक्सिस पे। तो ये देखिए ये साइकिल है 0 से π/2 तक, ये देखिए ये आ गया, और पाई से 2π तक ये है, फिर इसके बाद 3π तक ये हो गया, फिर इसके बाद ये 4π तक ये हो गया, क्लियर। तो ये आपका पास पाई, और ये क्या है 2π, और ये क्या है 3π, और ये क्या है 4π, डैश डैश अगर मैं किया करूं तो ये आपका है 5π, क्लियर, इतना आपको क्लियर। अब मैं प्लॉट करने चल रहा हूं, मैं बताया था कि पॉजिटिव ऑफ साइकिल में जो इनपुट था वही आउटपुट आया। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में देखिए ए पॉजिटिव बी आई आया, ए पॉजिटिव बी आई, यहाँ तक ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए मैं वही कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव ऑफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ टर्मिनल नेगेटिव आएगा, वी आई के ही अंदर दो वोल्टेज है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव ले चुका हूं। तो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव नहीं प्लस माइनस वी आई करेंगे तो जो नेक्स्ट आएगा, ये जैसा कि आप लोग हमने बताया था कि ये देखिए जो मेरा आउटपुट है यहाँ मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ ऐसे आया है वी आई,
और वेन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, जीरो से क्या है आपका पाई, ठीक है। और जब हमारा पाई ओमेगा टी की वैल्यू आपके क्या है टू पाई, ठीक है, तब ये वैल्यू आना चाहिए बेसिकली माइनस वी आई आना चाहिए। क्यों माइनस वी आई, माइनस वी आई क्यों आएगा, अगर मैं इसको प्लस माइनस ही वी आई रखता, क्योंकि वी आई के ही अंदर आपका वोल्टेज है, तो अगर मैं ऑलरेडी यहां पोलरिटी चेंज कर लूंगा तब तो ये प्लस आएगा। अगर यहां पोलरिटी में चेंज नहीं किया, जैसे कि मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो यहां मैं पोलरिटी चेंज कर लिया था, ये नेगेटिव कर लिया था और ये पॉजिटिव कर लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वी आउटपुट इक्वल टू वी आई आया था। लेकिन अगर मैं पोलरिटी चेंज नहीं करूं, इसको नेगेटिव ही रखूं, इसको पॉजिटिव ही रखूं, इसको पॉजिटिव रखूं, इसको नेगेटिव ही रखूं, तो ये जो वी आउटपुट इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस वी आई आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्लॉट करोगे तो ये देखो एकदम सेम है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का वी आई का फॉलो करते हुए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर यही बार बार रिपीट होगा, ये देखिए यही बार बार आपका रिपीट होगा आउटपुट, ये देखो, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपका है वीएम, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल का है, ये नेगेटिव साइकिल का है, फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल। और आपको पूरा यहां पे लिखना पड़ेगा, इस वाले में कौन डायोड ऑन है, इस वाले में कौन सा डायोड ऑन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मेरा फर्स्ट वाले में डी टू ऑन है एंड डी थ्री ऑन था, डी टू एंड डी थ्री ऑन, ठीक है। इस वाले में आप लिखेंगे डी वन एंड डी फोर क्या होगा ऑन, ठीक है, और इस वाले में आप लिखेंगे डी टू एंड डी थ्री क्या होगा ऑन, और इसमें लिखेंगे डी वन एंड डी फोर क्या होगा ऑन, इसमें क्या लिखेंगे डी टू एंड डी थ्री ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमने प्लॉट कर लिया। ये देखिए हमने मैथमेटिकल लिख दिया है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको इसमें कंफ्यूजन होगा वो मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे बताएगा कि इसमें क्या आपको क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। आईएल फिर मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। अब आईएल मैं प्लॉट करने चल रहा हूं, आप जानते हैं कि जब डायोड ऑन होगा तभी आपका आईएल फ्लो होगा, तो सेम यही कॉपी कर दीजिए, यही वेव फॉर्म कॉपी कर दीजिए आईएल के लिए, आईएल के लिए सेम ही वेव फॉर्म कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा पाई, और ये क्या हुआ टू पाई, और ये क्या हुआ थ्री पाई, और ये क्या हुआ फोर पाई, और ये क्या हुआ फाइव पाई, क्लियर। अब इसके बाद इसमें भी जब करंट फ्लो होगी इस वाले साइकिल